समाजवादी पार्टी के पूर्व बदायूं सांसद धर्मेंद्र यादव मैनपुरी में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, आरजेडी द्वारा लगाए गए आरोप बहुत सोच समझ और तथ्यों के आधार पर लगाया गया है। निर्वाचन द्वारा आरजेडी के प्रत्याशियों को बधाई देने के बावजूद भी 110 सीटों पर रोका गया, या लोकतंत्र के लिए गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण बात है, किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। उन्होंने यूपी में हुए चुनाव को लेकर भी चर्चा करते हुए कहा, काउंटिंग के बाद भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पूरे तथ्यों के साथ करेंगे। देखने में आया कि समाजवादी बूथों पर एम्बुलेंस लगाकर मतदाताओं को कोविड-19 के तहत भड़काना, ऐसे हथकंडे और धांधली जितने हो सकते थे उतने इस सरकार ने अपनाए। ऐसा ही हर चुनाव में किया जाता है, यूपी हो या फिर बिहार या गुजरात हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसे ही हथकंडे अपना रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी ईवीएम में धांधली करती है। उपचुनाव प्रचार पर लगा हुआ चुनाव तथ्य, प्रदेश की जनता पूरी तरह से योगी के खिलाफ है। आगामी चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। जहाँ तक यूपी के चुनाव के सिलसिले में मैं समझता हूँ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है अभी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि काउंटिंग के बाद वो प्रेस करेंगे और तथ्यों के साथ करेंगे। जिस तरह से मैंने कल नौगांव के अपने उम्मीदवार का बयान सुना, आप सबने भी सुना होगा, वोटिंग के टाइम जो समाजवादियों के बूथ थे उन पोलिंगों पर एम्बुलेंस लगा देना कि तुम्हें कोविड के नाम पे मुरादाबाद ले जाया जाएगा, जिस तरीके की धांधली हथकंडे जितने हो सकते थे उतने हथकंडे यूपी के उपचुनाव में भी हुए, बिहार में भी हुए, अन्य जगह भी हुए। तो ये सत्ता की दम पर लोग जरूर चुनाव जीते हैं, लेकिन जनता का मैंडेट ये नहीं था। जनता का मैंडेट उनके खिलाफ कल भी था, आज भी, और आने वाले समय में भी होगा। राजनीतिक दल ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, आपका क्या मानना है, ईवीएम की क्या भूमिका रही? हम लोग आज कोई नया मानना नहीं, लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी हर मौके पर, हर प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ईवीएम का विरोध किया और कहा है कि बैलेट से पेपर होना चाहिए। जहाँ ईवीएम बनी वहाँ ईवीएम पे चुनाव नहीं हो रहे, अमेरिका में नहीं हो रहे जी, लेकिन यहाँ पे ईवीएम के ही चुनाव होने। इस पर पार्टी पहले भी कह चुकी है कई बार और पार्टी का स्टैंड वही है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।